नहीं, श्री मनोज कोटक जी, नो नो नो, ये जीरो। अच्छा अच्छा ओके, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए चलिए ठीक है ठीक है, ओके धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महानगरों के विकास के लिए अलग अलग शहरों में मेट्रो रेल योजनाओं को गति देने का काम किया। मैं मुंबई शहर से आता हूँ, मुंबई शहर में भी जब भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार थी तब अलग अलग मेट्रो परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया और अच्छे बड़े पैमाने पर इस मेट्रो योजना का काम आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, तो इन मेट्रो योजना के लिए जो कारशेड आवश्यक था, उस कारशेड के स्थान पे जहाँ पे ऑलरेडी कारशेड का बड़ा काम हो चुका था, लेकिन अपनी जिद के कारण उस कारशेड की जगह बदली की गई। न केवल जगह बदली की गई, लेकिन वो जिस जगह पे कारशेड बनाने की शुरुआत की गई वो जगह भी केंद्र सरकार या प्राइवेट मालक के अलग अलग तरीके से अटकी हुई है, जो जिसका कोर्ट मैटर हो चुका है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये विनती है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये मेट्रो परियोजना मुंबई शहर के लिए आवश्यक इसलिए है कि मुंबई शहर में ट्रैफिक से निजात पाने के लिए जो लोकल ट्रेन सेवा चलती है उसमें काफ़ी भीड़ लगती है। कोरोना के चलते हम देख रहे हैं कि इन ट्रेनों में भी आवाजाही का पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इन मेट्रो परियोजनाओं के जिस तरह से देरी हो रही है, अब कल एक घटना में कोस्टल रोड में 600 मीटर के आगे रिक्लेमेशन के लिए 3000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रावधान किया गया। इस मेट्रो परियोजनाओं के भी डिले के कारण बहुत सारा भारी नुकसान हो सकता है, जो पैसा टैक्स पेयर का है वो जाया जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि महाराष्ट्र सरकार को एक तो मुंबई करो की भावना से अवगत कराए कि ये मेट्रो परियोजना तत्काल कार्यान्वित की जाए, जल्द से जल्द शुरू की जाए, और इसमें जो लागत के अंदर इजाफा हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की रहेगी। धन्यवाद।